खालिस्तानी आतंकी पन्नू की धमकी के बाद कनाडा के हिंदुओं ने ऐसा क्या उठाया कदम? पीएम ट्रूडो की बढ़ी टेंशन। कनाडा और इंडिया में टेंशन की वजह खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की मौत है। उसके बाद पहले पीएम ट्रूडो ने इसका जिम्मेदार भारत को ठहरा दिया, फिर खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारतीयों के कनाडा छोड़ देने तक की धमकी दे डाली। अब कनाडा के हिंदू संगठन ने खालिस्तानी आतंकी पन्नू के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाया है जिससे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की टेंशन बढ़ सकती है। ऐसा क्यों होगा हम आगे बताएंगे, उससे पहले जान लीजिए कि कनाडा के हिंदुओं ने खालिस्तानी आतंकी पन्नू के खिलाफ क्या एक्शन लिया है। इस लेटर को गौर से देखिए। ये लेटर कनाडा के हिंदू संगठन हिंदू फोरम कनाडा की है, जिसे कनाडा के हिंदू संगठन ने मिनिस्टर ऑफ पब्लिक सेफ्टी डोमिनिक लेवनेन को लिखा है, जिसमें पहले खालिस्तानी आतंकी पन्नू के कनाडा छोड़ देने वाले बयान पर आपत्ति जताई गई है। साथ ही इस लेटर में कई बातें भी कही गई हैं। इस लेटर के लास्ट में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो और एनडीपी नेता जगमीत सिंह से पन्नू की तरफ से दी गई धमकी पर न केवल आपत्ति जताई गई है, बल्कि खालिस्तानी आतंकी पन्नू की धमकी को हेट क्राइम घोषित करने की मांग की गई है। हिंदू फोरम कनाडा की तरफ से लिखे गए इस लेटर में लिखा गया है, कनाडा का हिंदू समुदाय हरदीप सिंह निज्जर का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील गुरपतवंत सिंह पन्नू के हालिया बयानों के संबंध में गहरी चिंता पर तत्काल आपका ध्यान देने का अनुरोध करते हैं। हम अधिकारियों से इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लेने का आग्रह करते हैं, क्योंकि ये सीधे तौर पर कनाडाई नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा को प्रभावित करता है। सोशल मीडिया पर एक घृणित वीडियो के प्रसार से हमारी चिंता और बढ़ गई है। इस लेटर के बाद ये माना जा रहा है कि कनाडा के पीएम ट्रूडो मंझधार में फंस सकते हैं, क्योंकि उन पर ये आरोप हमेशा से लगते रहते हैं कि कनाडा में उनकी तरफ से खालिस्तानियों को संरक्षण प्राप्त है। ऐसे में हिंदू फोरम कनाडा के इस लेटर के बारे में उनको अपना रुख तय करने में बेहद परेशानी हो सकती है, क्योंकि अगर वो पन्नू के बयान को हेट स्पीच घोषित कर देते हैं तब खालिस्तानियों की नाराजगी के शिकार हो सकते हैं। वहीं अगर इस लेटर को वो कनाडा के हिंदुओं के समर्थन में कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं तब न केवल वो कनाडा में रह रहे हिंदू समुदाय का विश्वास खो बैठेंगे, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी उनकी फजीहत हो सकती है। बहरहाल अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि पीएम ट्रूडो हिंदू फोरम कनाडा के इस लेटर पर अपना क्या रुख तय करते हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।